लेकिन अब बात जरा मौसम की करते हैं, चूंकि गुजश्ता 24 घंटों में मौसम में आई तब्दीली ने मैदानी इलाकों के अंदर भी लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया है, जबकि बालाई इलाकों के अंदर ताजा बर्फबारी हुई है और कल सुबह जो बर्फबारी हुई उसके बाद मुतद्दिद सड़कें मुतासिर हुई, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपियां को पुंछ और राजौरी यानी जम्मू सूबे के साथ जोड़ने वाली मुगल शाहरा को बंद किया गया, शुमाली कश्मीर के गुरेज बांडीपुरा में अहम राब्ता सड़क को बंद करना पड़ा और किसी तरह का नुकसान ना हो श्रीनगर ले हाईवे पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई खराब मौसमी सूरत हाल के बीच। आज की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है और मजीद आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त ज्वाइन कर चुके हमारे सीनियर साथी और मौसमी सूरत हाल पर मुसलसल नजर बनाए हुए सईद इरफान फाजिल। इरफान, क्या कुछ ताजा तरीन अपडेट्स हैं और महकमा मौसमियात की क्या कुछ पेशन गोई है आज दिन के हवाले से, अगले 24 घंटों में क्या कुछ मौसमी सूरत हाल रहने वाली है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जैसे आपने फरमाया कि पहले से कि जिस तरीके से लगातार जो है मौसम ने जो करवट बदली और 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मगरबी हवाओं का असर वादी कश्मीर में दिखा, जिसमें खास तौर पे बाला इलाकों पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में भी जी हाँ बारिशें जो है अच्छी खासी हुई है। अब अगर आज दिन के मौसम के हवाले से बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल के जो डायरेक्टर है सोनम लोटस, उनका मानना है कि 6 तारीख से लेकर 20 नवंबर तक जो है मौसम खुशगवार रहेगा, यानी अब जी हाँ बारिश और बर्फबारी रुक जाएगी जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही थी, और सर्दी में जाहिर सी बात है इजाफा जरूर होगा, मगर 20 नवंबर तक जो है मौसम खुशगवार होगा और 20 नवंबर के बाद हो सकता है कि फिर से मगरबी हवाओं का असर वादी कश्मीर में दिखाई दे। जबकि हमने देखा कि सर्द तरीन रातें इस वक्त गर्म गर्म मलबूसात कांगड़ी फेरन का इस्तेमाल हो रहा है, कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों ने अपने घर के हमाम जो है उसे शुरू कर दिया है, जबकि हम देख रहे हैं कि तकरीबन नवंबर के महीने में ही -1.4 जो डिग्री है वो पहलगाम गुलमर्ग में देखने लगा है। जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि गुलमर्ग में जो पर्यटन है वो काफी ज्यादा खुश थे, उनका मानना है कि एकदम से पैसा वसूली भी होगी क्योंकि वो यहाँ घूमने के लिए आए थे, मगर साथ ही में उन्हें बर्फबारी भी मिली जिससे वह काफी ज्यादा लुत्फानंदोज है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सियाहत से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनका मानना है कि आने वाले टाइम में अगर अच्छी खासी बर्फबारी और होगी तो जाहिर सी बात है टूरिज्म में भी इजाफा होगा, रोजगार में भी इजाफा होगा, मगर मौसम के हवाले से यह सियाहती खबर एतबार से कि इस काफी वक्त बेहतर होने वाला है, कल भी डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने जरूर कहा है, लेकिन जो बुनियादी सहूलियात हैं या जरूरियात हैं परेशानी रहती है, बिजली या पानी सप्लाई आमतौर पर मुतासिर होने लगती है सरमा के इब्तदाई दिनों में ही, क्या कुछ इतलात हैं, तैयारी किस तरह की है उन इलाकों के अंदर जहां पर परेशानी ज्यादा रहती है, खास तौर से मुतलका जो महकमे हैं बिजली पानी या सड़क के हवाले से परेशानियां जो आई उससे निजात मिले इसके लिए क्या तैयारियां हैं आज के वक्त में, चूंकि अभी कम बर्फबारी है? देखिए आसिफ, आपको पता होगा कि लास्ट टाइम भी एलजी साहब ने बताया था कि बर्फ भी अच्छी खासी होगी मगर इस बारी बिजली भी पूरी मिलेगी, मगर बिजली को लेकर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पावर फेलियर्स जो है पावर कट जो है वो अभी से ही बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए गांव की बात आप छोड़िए शहर को लेकर, शहर के मजीद जितने भी हसास इलाके हैं चाहे लालचौक का इलाका हो चाहे रामबाग नट्टीपुरा नौगाम गुलशन नगर या इसके साथ साथ अगर हम डाउनटाउन शहर खास की बात करें, अभी से ही इतने पावर कट्स होने लगे हैं कि बिजली की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनका मानना है अभी तो हल्की सी बर्फबारी हुई है, अभी तो हल्की बारिश हुई है, अगर आगे काफी ज्यादा बर्फबारी होती है बारिश होती है तो हाल कितना बुरा होगा वो अभी से ही वो जानने लगे। और इनफैक्ट हमने काफी रिसीविंग स्टेशन में भी ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है। बागी माताब का एक रिसीविंग स्टेशन है जहां पर हमने देखा कि कई सारे ट्रांसफार्मर्स जल गए थे अभी से ही, और पिछले 3 दिन से लोग वहां बिजली की कटौती को झेल रहे हैं, यानी ये तो अभी कह सकते हैं कि अभी इतने इतने से मुश्किलात है। अब आगे आगे अगर ये बर्फबारी बढ़ जाती है और खासतौर पर बारिशें हो जाती है, अब देखा होगा पिछले बारी भी बारिशें तेज हुई तो सड़कें जेरियाब हो गई, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, ड्रेनेज फेलियर्स, जिस पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, चलिए क्योंकि जी ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि मौसम इस बारी काफी सख्त तरीन होगा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ सईद इरफान फाजिल। कल मतलाबर आलू था, कहीं पर बारिश और कहीं पर बर्फबारी हो रही थी पहाड़ी इलाकों के अंदर, यानी कुपवाड़ा के बालाई इलाकों के अंदर पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी आई थी, और फिर गुलमर्ग के अंदर सयाहों के लिए पुलिस की तरफ से एडवाइजरी थी कि नकल हमल किस तरीके से किया जाए और इन केस ऑफ इमरजेंसी कौन से नंबर डायल करने की ज़रूरत है। तो लेकिन अब खबर यह है कि आज सुबह से मौसम का मिजाज थोड़ा थोड़ा बदल रहा है और आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम का मिजाज बेहतर रह सकता है वादी कश्मीर के।